हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कौन सा दिन है पत्तू? आज है ट्यूसडे। और लुगु अब हेयर कट दिखाते हुए कि उसका थोड़ा हेयर स्टाइल लाइक मैंने करने की कोशिश करी थी, पानी से ही करा था। इसने हाथ मार मार के सब कुछ बराबर कर दिया है। तो मम्मी रसोई में है, मम्मी शाम के खाने की तैयारी कर रही है। आज जो ब्लॉग है मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू किया है क्योंकि पता नहीं यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग कल यहाँ से थोड़ा सा घूमने जाएंगे तो उसकी हम प्लानिंग कर रहे थे कि जाना कहें, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो दादा गए हैं पतंग उड़ाने, हम भी चलते हैं छत पे। मम्मी आज दाल रोटी बना रही है और उसके बाद हम लोग कुछ फ़ोटो फाइनल कर रहे हैं, लाइक फ़ोटो जो है एल्बम के लिए देनी है। तो अभी चलिए फ़ोटो भी फाइनल करेंगे इसी ब्लॉग में। देखो कि बर्थडे की फोटो आ गई है तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगी और फिर कुछ फ़ोटोज़ जो है 30 शीट्स से उनमें सेलेक्ट करनी है। वीडियो जो है वो भी बन के आ जाएगी। वीडियो मैं ना सेपरेट लाइक वीडियो जो है वो मैं सेपरेट पब्लिश करूँगी क्योंकि जो ब्लॉग था ना उसमें बहुत यार डिस्टर्बेंस थी, क्योंकि जितना हो पाया उतना हो पाया। बट जो एक ऑफिशियल बर्थडे वीडियो है जो हमने ऑफिशियली प्रोफेशनल के थ्रू शूट कराई है वो वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, 2-4 दिन में मिल जाएगी। बहुत मुश्किल से हम चढ़ के आए हैं। राजा पतंग उड़ाते हुए और इनसे पेश चढ़ाने के लिए कोई नहीं है जबकि वहाँ पे बहुत सारी पतंग उड़ रही है। आएगी ये आएगी, ये लड़ा रही यहाँ पे आके, यहाँ पे एक बच्चा उड़ा रहा थी जो लड़ाई थी दोनों ही कट गई। और हम लोग गर्मी में भुन रहे हैं यहाँ पे है। डू डू गर्मी है उड़ती है यहाँ पे हरियाल हरताली का तीज पे उड़ेगी। हरियाली तीज मतलब 30 तारीख को हम तब तक चले जाएंगे यहाँ से। तीज जो झूला डालते हैं, झूला झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। तब मैं सोच रही थी कि मैं नीचे से उड़ाती हूँ तो ऊपर से उड़ा लो। हाँ वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मामा अर्थ का राइस फेस स्क्रब के बारे में। इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। स्क्रब है ये आपको ग्लास लाइक स्किन अचीव करने में हेल्प करता है। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसे किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले जो फेस और नेक है उसे मैं कर रही हूँ वैक। तो मैं ले रही हूँ एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अब इससे मसाज करनी है आपको फेस पे और नेक पे। तो बेसिकली आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो रखना है ऑन योर फोरहेड चिन नोज एरिया, यहाँ पे ज्यादा जो ब्लेड स्किन है वो होती है। ये बहुत ज्यादा जेंटल है स्किन पे, बहुत ही इजीली आप जो स्क्रबिंग है वो कर लोगे। तो स्क्रबिंग करने के बाद जो फेस है मैं जल्दी से वॉश कर लेती हूँ और जो डिफरेंस है वो लोग देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो मेरी स्किन है वो काफी ज्यादा लाइक स्मूथ फील कर रही है। और बेस्ट रिजल्ट आपको यूज करना है ये स्क्रबर ट्वाइस अ वीक यानी हफ्ते में 2 बार। मैं जल्दी से आपको कुछ मामा अर्थ के बारे में बता देती हूँ। एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पीशीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन अमेजोन, नाइका, पर्पल एंड मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट पे जो की है mamaearth.in। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ ने लॉन्च करी है अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप जिसके थ्रू यूजर्स को मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड डिस्काउंट। आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड beautyzone2022 और mamaearth.in जहाँ पे आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऐप की लिंक और प्रोडक्ट की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके जरूर चेक कर लीजिए। राजा को सदमा लग गया मामा। तो क्या हुआ था, अभी राजा के कपड़े धुल रहे हैं तो एक गीला नोट निकला, एक ही फटा 10 का नोट ये निकला। अब हमें पता नहीं है और कितने नोट रखे हुए हैं, मतलब वही पूछ रहे थे। तो मम्मी ने नहीं चेक किया, मम्मी को लगा चेक मैंने किया होगा, मेरे को लगा चेक राजा ने किया होगा। और वो एक बार धुल चुकी थी, उसको सेकेंड टाइम वॉश करना था तो इसी कन्फ्यूजन में वो दोबारा हो गई है, मतलब कि उसे चेक किसी ने नहीं किया, उसे कितने पैसे थे क्या थे पता नहीं। अभी राजा को सदमा लगा हुआ है तो मैं बहुत ही अब देखने वाली थी। और भी फटे क्या?
खाने का मन कर रहा है। लाल कचौरी खानी है? कितने लाल जी टाइप के ना, तुम चल लो साथ में। अच्छा खाने जाना है? No way. क्यों? I'm done. मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मम्मी से वही बोल रही थी कि मेरे को तो भूख भी नहीं लगी। इसने सारा मेरा मैगी वेस्ट कर दिया। मैंने? इनको हुई है खांसी, उसे हम बोलते हैं डॉग वाली खांसी। डॉग वाली? हाँ, बहुत भयानक खांसी। थोड़ा सा लेकिन यार यहाँ राज कचौड़ी कैसे बन के आएगी अपना? राजा को इतनी क्रेविंग क्यों होती है बताओ ना? क्या हम खाना निकलाते हैं घर में? हाँ आ जाओ। ऐसी वो पूरी सन के वो वैसी नहीं आ जाएगी राज कचौड़ी पैक होके? तो क्या कहती है जनता दीपा? नहीं, वो सब कुछ पैक होके वैसे रख के नहीं आएगी, वो अलग अलग आएगा। आपको खुद में पानी डाल के खाना है ऐसे। हाँ, मैंने एक बार मंगाई थी राज कचौड़ी से। हाँ, उसमें मतलब पापड़ी पापड़ी सब आई थी, अलग से सैलेड, अलग से एग डालो, उसमें दही अलग से डालो, दोनों तरह की चटनी आई थी। अगर वो ये लोगों को देखिए कितनी बातें कर रहे हैं, बच्चा बीच बात में रो रहा है, कोई देखता नहीं रहा है बच्चे को। नहीं, हम लोगों ने हमेशा खाई है क्योंकि राज कचौरी में चांसेस रहते हैं कि वो गली हुई है। लुगु मोमोस खाएगा? लुगु मोमो ओ क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची। हेलो, हाँ बाबो। ओ आदमी, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची। हमर सोना भालो बाची भालो ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची। दुगु ए हम ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, ए हमर सोना भालो बाची भालो बाची, हमर सोना भालो बाची ए भैया 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 प्यार करता है। मम्मी आपको रोल नहीं पूछा जा रहा है? नहीं, आप रोल खिलाएंगे राजा? नहीं। कौन सा रोल है आप बताइए? ये हरियाणी रोल। हमारे घर में आज दाल रोटी बनी है। दाल रोटी बनी आज? बहुत प्यारी दाल और पराठा। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या हुआ? देखा ऐसे खा लो ना मान के भैया, नजर क्या लगा रहे? ये दीपा नजर लगा रही है। ये लगा रहा नजर बैठ के, ये नजर लगा रहा है, ये खाएगा, ये मेरी उंगली पकड़ेगा। हाँ अद्दू अद्दू। लाइट आ गई। मम्मी खा लो। मैंने खाया। खा के देखा आपने अभी? नहीं खाया। पर ये आटे ये मैदे का नहीं है, पर ये यहाँ आटे का ही है। मम्मी मम्मी की रोटी सब्जी आगे बताओ। मम्मी अब खा के बताएंगी। फ्रेश है मम्मी? चलो आ। भोजन कुछ करा है क्या? हाँ एक मिनट। कैसा डाल सकते हो? कैसा है? हाँ
मम्मी को नहीं अच्छा लगा एक्चुअली मैं ना मुझे भी ऐसे सॉसेस वगैरह नहीं पसंद है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर मम्मी से आई है सब चीज़ मोमोज मैं खा सकती हूँ चाउमीन खा सकती हूँ भाई ए भाई देख कैसे गिर रहा है ए हमार सोना भालो भाती भालो भाती 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 आओ आओ ए हमार सोना भालो भाती भालो भाती ए हमार सोना भालो भाती भालो भाती चने की दाल बहुत टेस्टी लगती है और धनिया की चटनी अच्छा ये अदरक का खाना ये धनिया चटनी ये अदरक का खाना चला पापा इसमें एक मास्क पड़ा है इसका हां वो निकाल दो धुल गया वो भी चलो ये है चटनियां चटनी से रोटियां ये है दाल रोटी प्रॉपर हरियाणा का खाना तो चलो बाबा फोटो देखने लिए तैयार हो आप लोग मम्मी फोन छोड़े आप लोग कृपया करके अपने अपने कृपया अपने फोन छोड़िए ले ला ला ले ये नहीं ले मैं बड़ी दिख करके देखना चाह रही थी इसलिए मैं उससे कर रही हूँ अच्छी लगी मामा बढ़िया अच्छी लगी मम्मी देख भी रही हो पापा आए थे देखना अभी पापा का एक बाल नकली बाल वाला फोटो भी आएगा ऐसा ही ये कली की फोटो है ना मतलब कल वाली कुछ निकालते हैं मैं बता रही कौन सी कहाँ से है लो मैसिव प्रोटेक्शन पिंक मेकअप के साथ अच्छी लग रही है आई शेडो से पापा बोले मम्मी की आंखें चुंदी आ गई हैं जबकि मम्मी अच्छी लग रही हैं एज पर पापा देखो कितनी अच्छी फोटो है ना ये मम्मी के उस पे लगाऊंगी अभी मम्मी की ये अच्छा इसमें एक बहुत अच्छा फोटो भी है ये 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 अद्भुत तो है इधर सारी फोटो अच्छी हैं अद्भुत तो है स्मार्ट है ये सिलेक्ट कहाँ कर रहा है वो पड़ा है किस कर रहा है ये कहाँ देखिए बहुत देखो छोटा बिस्तर जाए देखिए कहाँ रिमोट कहाँ है रिमोट देखिए बिस्तर जाए देखिए रूम आप देखो हाँ थोड़ा धुंधला है मेरा देखो नहीं ये ऐसे हो मैं धुंधला नहीं है थोड़ा तुम्हारा क्या बोल रहा तुम क्या हुआ है बताओ मम्मी क्या बताओ बताओ ये हुआ है कांड हुआ है कांड कांड तो इतने सारे फोटोज में हम लोगों की साथ में पांचों की फैमिली फोटो नहीं है लाइक पापा मम्मी दीपा की है या मेरी मम्मी की है और पापा की है दीपा नहीं है उसमें मतलब ऐसा है कि कोई ना कोई मिसिंग है है ना तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फिर से कपड़े पहनेंगे और जाके फोटो खिंचवाएंगे डेकोरेशन कराना पड़ेगा पूरा पोस्टर का भी पूरा वो मतलब सिर्फ पांच इनवाइटेड होंगे नहीं इतनी भीड़ बुलाएंगे फिर से
उतनी प्लेट्स बुलवाओ फिर चलते लोग प्लेट उतनी भीड़ और वैसे डांस आई मेरे को बहुत दुखने लगा एकदम से 150 फोटो सेलेक्ट करनी है और हम सब एक ही रूम में है अभी सेलेक्ट करेंगे पर हम लोग खेलने जा रहे हैं लूडो और आई एम द ओनली अल्टीमेट विनर ये मेरे लाडो कल भी मैं जीती थी परसों मैं जीती थी पर आज मम्मी जीती आज तो मम्मी आप जीती आज कौन फर्स्ट आया दीपा ए क्या जीत रहे को फायदा नहीं था सेकंड में नहीं नहीं 10,000 का नहीं लगाया था राजा इतने कंजूस है कि 100 रुपए विनर को 200 रुपए मिले थे आज है वेडनेसडे और हम लोग जा रहे हैं सीपी धूप बहुत ज्यादा हो रही है राजा कहते घूम के आ जाते थोड़ा देखते हैं क्या लाना है ये है मिस्टर बहुत ज्यादा ही धूप है यार का प्लान था आज का जाने का फिर हम लोग का मन नहीं हुआ आज की चले उसके बाद फिर लगा के चलो चल लाइक पहले कैंसिल हुआ फिर हाँ हुआ फिर कैंसिल हुआ फिर हाँ हुआ ये हालत हो गई फिर क्या अब रास्ते में आ गया मौसम जो है अच्छा ही हो रहा है धूप बहुत ज्यादा हो रही है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है कभी बारिश होती है ठीक है देखो पानी भरा पड़ा है बहुत गंदी बारिश हो रही है आपको पता क्या बताऊँ मुझे घर जाने का इतना मन कर रहा है आपको घर जाना है राजा से मुझे घर जाना है और अपनी मम्मी के यहाँ बहुत अच्छा लगता है पर अपने घर की याद आ रही है मेरे को बहुत ट्वीट सी लग रहा है कि घर की क्या हालत हो गई होगी मैं कितने दिन बाद एक महीना हो जाएगा ना पर टाइम पूरा निकल गया पता नहीं चला हेलो बेबू क्या खरीदना है आपके लिए कुछ बता दो क्या खरीदना हम लोग पहुँचने वाले हैं इसने मूव कर दी थी इसका टाइप पर चेंज करने मुझे तो मैंने थोड़ा सा फ्री रखा हुआ था अभी इंडिया के पास हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ना गर्मी सी हुई तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी आज शुभारंभ डुगो के कपड़ों से ही हुआ है
हालत खराब हो गई है यहाँ पे गर्मी में, हवा नाम की चीज नहीं है। सामने देखिए फ्लैट लहर नहीं रहा है, सिर्फ दिख रहा है क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हम लोगों ने सिर्फ बहुत ही थोड़ी सी शॉपिंग करी है, नहीं करी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और डुगू को लेके घूमना है हाथ पे बहुत दुख रहा है ना। ये कहाँ से जाएंगे हम, कूदोगे क्या, कूदने वाले हो? ठीक है। कल ना आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, रात में हम पहुँचे हल्दीराम के शोरूम से लाइक खा के अराउंड 10 o'clock।
सामान कुछ नहीं लिया है, सामान मैं आपको दिखाऊंगी। दो तीन बहुत ही ऐसी चीज़ ली जो ऐसी ले ली, सिर्फ गए थे इसलिए। शॉपिंग कुछ नहीं करी, सिर्फ डिगू के दो जोड़े की शॉपिंग करी है, और एक आई थिंक इन्हें ना वॉच ली अपने लिए, और एक इन्हें अपने लिए वॉच ली। तो ये जो है ये आ गई है गर्मा गर्म चाय। मेरी बात कहीं का बद कमेंट करके जवाब देना, मैं शिवानी को गिफ्ट दे रही हूँ। ये देखो लड्डू, ये लड्डू देखो, मेरे को नहीं चाहिए लड्डू, गिफ्ट दे रही हूँ, मुझे खाता बहुत है। आप अच्छा आप आपको पता है डुगू में क्या करने वाला है, जाके क्या करने वाला है? और डुगू बिगड़ चुका है हमारे यहाँ पे आके नानी के घर। हाँ। ना नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तो वो नानी के घर आया है, मोटा नहीं हुआ है, बिगड़ के जा रहा है। वो तो मैं उसको संभाल लूँ, और इसको नाना का जो है जो वो तो मैंने लगता कभी खाना खाता ही नहीं होगा, बस ऐसे मुँह लगाएगा सुनता है वो ना, वो मतलब जैसे वो सिलेक्टेड खाना खाता है, पेडिग्री पेडिग्री घी लगी रोटी, घी लगी रोटी, थोड़ा पानी पी लेगा बस, वो उसकी जिंदगी है। और ये लड्डू है, इसको मैं कहूँ दुनिया की कोई भी चीज़ दे दो, ये प्याज लहसुन सब खा जाता है, ये सब्जी काटोगे हर तरह की सब्जी खा जाएगा, प्याज लहसुन टमाटर चीज खाएगा। आम बहुत पसंद है, आम के तो बहुत पसंद है इसे, कहते कहो आप लोग कहोगे आंटी नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन बेटा ये मानता नहीं, जब तक हमारा हाथ से खींच के ले जाएगा तब तक ये मानेगा नहीं, इतना खाता है ये। ऐसे खाने की स्पीड ये है कि हम आधी रोटी खा पाएंगे, ये पांच रोटी खा जाएगा उसी टाइम पर। अभी चलो बच्चा है, चल रहा है, आगे मेरे से तो पता नहीं बनेगा कैसे बनेगा। और बाकी वैसे बिल्कुल सिंपल आदमी है ये हमारा लड्डू है, जो सिंपल मतलब वो है डॉगी, डाउन टू अर्थ डॉगी। हाँ बेटा हमारा ये मतलब नखरे नहीं है इसकी। हाँ। नखरे कोई नहीं है, कुछ भी दे दो हर चीज़ खाएगा। और सिवा दीपा का लड़ला है ये, वैसे मम्मी का काम दीपा करेगी नहीं, बोलाऊंगी दीपा आ जाए बेटा मेरा काम कर दे, और लड्डू की आवाज़ आई कूँ दीपा भागी जा कहीं पर ही बैठी है, ऐसी दौड़ लगा के जाएगी, जाए आगे जा गिर जाए कहीं पर, लेकिन लड्डू के पास पहुँचना।